क्रांति के जनक और महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की गुरुवार को मौत हो गई। 98 साल में उनकी मौत हुई। मैं इस वक्त दिल्ली के एक जौंटी गांव में खड़ा हूं और ये जो गांव है वो क्यों एमएस स्वामीनाथन को याद कर रहा है, इसको बताने के लिए मैं इस गांव में आया हूं। मेरे साथ में गांव के कुछ बुजुर्ग हैं। सबसे पहले हम जो है वो बात करेंगे ओम प्रकाश जी से। ओम प्रकाश जी टीचर रहे हैं, लेकिन इनके जो दादाजी थे भूप सिंह जी, उनके स्वामीनाथन जी के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे। सर, उस कब यहाँ पर पहली बार स्वामीनाथन जी आए थे और कैसे ये हरित क्रांति की शुरुआत हुई? पहली बार तो मेरे ख्याल वो 63-64 के लगभग आए होंगे। अच्छा। और स्टार्टिंग मेरे दादाजी ने उनके साथ इंटरेस्ट लिया और फिर वो हमारे साथ एक फैमिली रिलेशन के साथ 60-50 मन के लगभग पे देता था। पहले देसी गेहूँ 40-35 मन ही होता था। अच्छा। हाँ, इसमें ज्यादा उत्पादन देता था ये। तो उससे क्या गांव की इनकम भी बड़ी उस समय? गांव की इनकम तो नेचुरल बढ़ नहीं थी। जब 30-35 मन प्रति एकड़ जो पैदा कर रहा था किसान, और उसकी 50 मन जब प्रति एकड़ पैदा होगी तो आमदनी तो बढ़ेगी। तो देखिए, 98 साल में स्वामीनाथन जी की मौत हुई, लेकिन अब इस गाँव में ये बताया जा रहा है कि 60 के दशक में जब बहुत ज्यादा खाद्यान्न की कमी से भारत जूझ रहा था, तो स्वामीनाथन जी को नॉर्मन बोरलॉग के बारे में पता चला, जो उस वक्त मैक्सिको में उन्होंने एक नई विकसित की थी बीज गेहूं की। उन्होंने नॉर्मन बोरलॉग से संपर्क साधा खुद, और उसके बाद में नॉर्मन बोरलॉग को लेकर आए भारत में, और इस गांव में भी नॉर्मन बोरलॉग के साथ में स्वामीनाथन जी खुद आए। क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग ये कहा कि मैं तब तक बीज आपको नहीं दूंगा जब तक मैं खुद इस इलाके का दौरा नहीं कर लूंगा और देख नहीं लूंगा कि आखिर उनके बीज का क्या प्रभाव रहता है उपज पर। तब वो खुद नॉर्मन बोरलॉग आए और उत्तरी भारत के कई सारे इलाकों में, जौंती गाँव में भी वो घूमे और कई सारी जगहों पर घूमे और संतुष्ट हो गए। तब उन्होंने मैक्सिको से बीज भिजवाया और उसके बाद में तो स्वामीनाथन जी ने उस बीज में अपने हिसाब से तमाम सारे प्रयोग करके और एक के बाद एक नई जो उन्नत किस्म के बीज तैयार किए, जिससे हमारा जो भारतवर्ष है वो खाद्यान्न के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर बना बल्कि उसने दूसरे देशों के पेट को भी भरना शुरू किया। और उनका एक बहुत मशहूर कोट है स्वामीनाथन जी का, उन्होंने कहा कि ये बीज जो है वो अब एक हमारे पास में खेती के हथियार के तौर पर मिल गया है जो हमारी भुखमरी को खत्म करेगा। ज्योति गांव से जोसेफ के साथ रविशंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।